अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ प्रैक्टिकल इज अबाउट पैरासिटिक एंड एयरबॉर्न फंजाई। इसी प्रैक्टिकल का एक पार्ट था सेप्रोफिटिक फंजाई, इसके बारे में हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं। अब ये रिमेनिंग पोर्शन है उसी प्रैक्टिकल का, आप इसके डाटा को उसी के साथ मिक्स करके लिखेंगे। पैरासिटिक फंजाई ऐसे फंजाई होते हैं जो कि होस्ट के अंदर डिजीज कॉज करते हैं और ये लिविंग होस्ट के ऊपर अटैक करते हैं, लिविंग होस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और फिर उसके बाद उनकी एनर्जी और फूड जो है वो खुद यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। और एट टाइम्स ऐसा भी होता है ये कि ये होस्ट की डेथ का कॉज भी बन जाते हैं। मोस्टली जो फंजाई हैं, जो पैरासिटिक हैं, वो प्लांट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। जैसे कि प्लांट्स के अंदर पैरासाइट डिफरेंट तरह से एंटर कर सकता है। जैसे प्लांट्स के ऊपर अगर स्टोमेटा ओपनिंग प्रेजेंट है तो वहाँ से एंटर हो सकते हैं। लीफ के ऊपर अगर लेंटिकल्स वगैरह से, वहाँ से एंटर हो सकते हैं। स्टेम के अंदर से एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स पे, फ्रूट के थ्रू या फिर कहीं पर भी अगर हेयर्स वगैरह प्रेजेंट हैं वहाँ से एंटर हो सकते हैं। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट पैरासिटिक डिजीजेज जो हैं वो पाई जा सकती हैं, जैसे डाउनी माइल्ड्यूज, पाउडरी माइल्ड्यूज, स्मट, रस्ट। ये सारी डिजीजेज जो कि डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर, डिफरेंट वेजिटेबल्स के अंदर, डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो हैं ये डिजीजेस पाई जाती हैं। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स मेंशन की गई हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि फंगस डिजीजेस की वजह से ख़त्म हो गए, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ ऐसे फॉरेस्ट या फिर यूरोप के अंदर डिफरेंट फॉरेस्ट जो हैं वो डिफरेंट डिजीजेस फंगस की वजह से वो टोटली तौर पर ख़त्म हो गए। प्लांट के ऊपर डिजीज तब होती है जब फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो प्लांट के स्टेम या लीव्स या फिर किसी भी पोर्शन के ऊपर गिरते हैं। और ऐसा प्लांट जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है, और ऐसे प्लांट्स के ऊपर डिजीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो डिजीज़ उनको हो जाती है। बहुत सी ऐसे फंजाई हैं जिनका इंसेक्ट्स के साथ रिलेशनशिप होता है और इस रिलेशन की वजह से वो उनके ऊपर डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि जो प्लांट होता है उसके ऊपर जो इंसेक्ट होता है वो प्लांट के ऊपर फीड करता है और फंगस जो है वो इंसेक्ट के ऊपर फीड करता है। मींस के इस तरह से रिलेशन चलता है। और एट टाइम ऐसा भी होता है कि वो फंगस इंसेक्ट के ऊपर अटैक करती है और उसके बाद उस ट्री के ऊपर भी वो अटैक कर लेती है। सेप्टोबेसीडियम एक फंगस जीनस है जो कि इंसेक्ट्स के साथ पैरासिटिक रिलेशनशिप में होती है। और बहुत से ऐसे फाइलम्स हैं जो कि जिनका रिलेशनशिप जो है वो इंसेक्ट्स के साथ होता है। बेसिडियोमाइकोटा फाइलम जो है इसकी जो स्पीशीज होती हैं उनका भी इंसेक्ट के साथ रिलेशन होता है। इसके अलावा फंजाई जो है वो ह्यूमंस के अंदर बहुत सी डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है क्लेविसेप्स परप्यूरा, ये एर्गोटिज्म डिजीज जो है वो कॉज करती है। इसके अलावा और भी बहुत सी डिजीजेस हैं जैसे कि एथलीट्स फुट, रिंगवॉर्म, एस्परजियोलोसिस, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इसके अलावा कोकाइडियोमाइसिस, ये सारी डिजीजेज जो हैं वो फंजाई कॉज करती है। इसके अलावा एक यीस्ट होती है कैंडिडा अल्बिकेंस, ये नॉर्मली ह्यूमंस के माउथ के अंदर, थ्रॉट के अंदर, कोलोन के अंदर या फिर डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर रहती है। जब तक के ये एक नॉर्मल बैलेंस के अंदर रहती है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, तो कोई भी प्रॉब्लम ये बॉडी को नहीं करती। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पर्सन के अंदर एज के साथ साथ कोई डिजीज हो या फिर वैसे ही एज बढ़ रही है या फिर कोई हार्मोनल चेंज हो, तो डेफिनेटली ये डिजीज कॉज कर देती है और ये बॉडी के अंदर अनकंट्रोलेबल वे में अपने आप को शो करने लग जाती है और इसकी वजह से कैंडिडियस डिजीज होती है वो ह्यूमन के अंदर हो जाती है। नेक्स्ट स्टार्ट होता है एयरबॉर्न फंजाई। मोल्ड्स जो है ये फंजाई की एक टाइप है। तो बेसिकली जो फंगस होती है वो एयर के अंदर अपने स्पोर्स को रिलीज करती है और जब ह्यूमंस कॉन्टेमिनेटेड एयर को या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉन्टेमिनेटेड एयर को इनहेल कर लेता है तो उसके अंदर वो डिजीज हो जाती है। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है यूपीक्यूटस, दैट मीन्स इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो फंजाई इनडोर हो या आउटडोर हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं और ये ह्यूमंस को स्वेयर हेल्थ इश्यूज कॉज कर सकती हैं। नॉर्मली इनको इग्नोर किया जाता है जबकि ये बहुत ही स्वेयर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं।
फंजाई जो है वो आसपास बहुत से मटेरियल के ऊपर ग्रो कर सकती हैं। पेपर हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मटेरियल हो गए, वुड हो गई, और फंजाई की वजह से डिफरेंट इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं, इस तरह के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, जैसे अस्थमा वगैरह, या फिर बहुत से और प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा साइनस और नोज़ के डिफरेंट प्रॉब्लम जो हैं, साइनस में ईयर, नोज, थ्रॉट, ये सारे प्रॉब्लम जो हैं वो इकट्ठे आ जाते हैं। जितनी भी इससे रिलेटेड डिजीजेज हैं वो मोस्टली एयरबॉर्न फंजाई की वजह से होती हैं। माइकोटॉक्सिन्स जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ लंग डिजीजेस कॉज करते हैं। इसके अलावा एर्गट मोल्ड्स जो होते हैं वो बहुत से स्ट्रॉन्ग केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट जेनरा जैसे कि क्लेडोस्पोरियम, अल्टरनेरिया, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये डिफरेंट जेनरा हैं जो कि एटमोसफेयर के अंदर डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो एयरबॉर्न फंजाई जो है वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से फिर डिफरेंट डिजीजेस होती हैं। ऑलमोस्ट 1 लाख नॉन स्पीशीज जो फंजाई की अब तक हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर से मोस्ट ऑफ दी मेंबर्स जो कि एयरबॉर्न फंजाई के तौर पे काम करते हैं वो हैं ड्यूट्रोमाइसीट्स, जिनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ हैं जैसे कि बेसिडियोसाइट्स के मेंबर्स, एस्कोमाइसीट्स के, और म्यूकारोल्स के, और यीस्ट वगैरह जो हैं ये भी एज अ एयरबॉर्न फंजाई काम करते हैं। पेनिसिलियम और यीस्ट जो हैं ये एयरबॉर्न फंजाई की एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट। और पेनिसिलियम और यीस्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसके अंदर आप जब ये सेप्रोफिटिक फंजाई के बारे में आपने पढ़ा था, वो इस प्रैक्टिकल का रिमेनिंग पोर्शन है जो कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो उसके अंदर पेनिसिलियम और यीस्ट के बारे में उनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल ये प्रैक्टिकल लिखने को आ जाता है पेपर में, तो आपने एयरबॉर्न फंजाई के अंदर उन दोनों एग्जाम्पल्स को ऐड करना है। यहाँ पर आपने इसको प्रैक्टिकल नोटबुक के अंदर भी लिखना है, और इसके अलावा आपने इसको याद भी करना है, पेनिसिलियम और यीस्ट को जो सेप्रोफिटिक फंजाई के अंदर डिस्कस किया था उसको आप यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं।